morning, students. How are you, students? I hope you all are fine. Okay. Today we will start lesson 7, the Ilse and the Shoemaker. Students, आपने देखा होगा मैंने इसके आपको बुक रीडिंग भेज भी दी है. ओके. पर आज हम करेंगे ग्रामर सेक्शन करेंगे. ठीक है. इसका ग्रामर सेक्शन में हमारा क्या है टॉपिक? यूज ऑफ इज एम आर एंड वोज वर. ठीक है. हमारा क्या है? यूज ऑफ इज एम आर एंड वोज वर. ठीक है. जो आपके पेज नंबर 150 पर, ठीक है, 150 पर दिया गया है, हम ग्रामर सेक्शन को करेंगे. ओके. तो ये देखिए ग्रामर सेक्शन में क्या करना है आपने. हमने सबसे पहले प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस आप कर चुके हो स्टूडेंट्स. हम कर चुके हैं ना, उसमें सिर्फ हमने सिंपल किया था, डेफिनेट किया था पास्ट और प्रेजेंट डेफिनेट. फर्स्ट क्लास में आपने प्रेजेंट टेंस किया था. फर्स्ट क्लास में आपने प्रेजेंट टेंस किया था. लाइक कैसे किया था देखिए. ही शी बॉय, मैंने तीन नाम लिखे हैं. ठीक है. ये प्रनाउन लिखे हैं, ये हमारा नाउन है. ठीक है. पहले हम ही को पढ़ते हैं. ही राइट्स अ लेटर. ही राइट्स अ लेटर. इसमें क्या है? वह एक पत्र लिखता है. लिखता, जहाँ पे एस और ई एस वर्ब के साथ एस और ई एस एड होता है, उसे हम लिखता. ठीक है. अब जैसे वर्क्स आ गया करता. ठीक है. काम करता है. राइट्स लिखता है. ड्रिंक पीता है. ठीक है. ता जिसमें ज्यादा यूज ता से शो होते, पीता है, खाता है. ठीक है. तो ई एस यूज हो गया. ही शी बॉय में हमने राइट एक वर्ब है, वर्ब के साथ हमने एस यूज कर दिया, ई एस राइट्स. ओके. और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. इसमें क्या होता है? ही शी और सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन मैंने सिर्फ बॉय लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल देने के लिए. बॉय एक लड़का है ना, बॉय एक लड़का, बॉय. तो ये यहाँ पे बॉय हो, काइट हो, ये सेंटेंस के साथ नहीं, कुछ भी हो, बॉय हो, काइट हो, गर्ल हो, एक होना चाहिए. ठीक है. उनके साथ एस और ई एस यूज होता है, वर्ब के साथ एस और ई एस यूज होता है. देखिए, ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है. लड़के के लिए यूज करते हैं ही हम. शी हम लड़की के लिए यूज करते हैं. शी हम किसके लिए यूज करते हैं? लड़की के लिए. इसमें स्टूडेंट देखिए, हमारे नाउन और प्रोनाउन भी यूज हो रहे हैं. ही और शी हमारे प्रोनाउन्स है. शी वह अब लड़की के लिए यूज होती है. वह एक पत्र लिखती है. ठीक है. अब बॉय लड़का पत्र लिखता है. बॉय आ गया ना, एक है ना, तो एस. ऐसे ही मैंने इसी के ऊपर दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, आई वी दे यू एंड बॉयज है. ठीक है. इन सब के साथ हम वर्ब में एस और एस यूज नहीं करेंगे. एस और एस यूज नहीं करेंगे. स्टूडेंट्स आपने ध्यान से वीडियो देखनी है, तब तक आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप अच्छे से नहीं देखेंगे. किसके साथ? आई के साथ. आई मीन्स मैं. वी मीन्स हम, जिसमें हम मैं भी इंक्लूड होता है और अदर्स भी इंक्लूड होते हैं. ठीक है. जैसे अब मैं और मेरे पापा, आप बोलते मैं और मेरे पापा बाजार गए या जाएंगे या जाते हैं. ठीक है. तो आई एंड मेरे पापा, मैं और मेरे पापा बोला है तो मैं एंड माई फादर, आई एंड माई फादर. तो वो क्या हो गया? तो हम हमेशा तो ये नहीं बोलेंगे ना, मैं और मेरे पापा जाते हैं, मैं मेरे पापा मेरे पापा. ठीक है. हम हमेशा हम उसके लिए हम यूज करते हैं, बार बार एक ही लाइन आती है, उसके लिए हम यूज करते हैं. हम, वी, दे, वे सब खेल रहे हैं, जिसमें हम मैं इंक्लूड नहीं होती. ठीक है. आई, जिसमें हम आई इंक्लूड नहीं करते. वे सब खेलते हैं, वे खेलते हैं. यू, तुम. ठीक है. यू के लिए तुम. ठीक है. तुम लिखते हो. मैं एक लेटर लिखता हूँ. हम लेटर लिखते हैं. वे लेटर लिखते हैं. तुम लेटर लिखते हो. बॉयज, अब मैंने यहाँ पे एस लगा दिया. हमारे फर्स्ट सेंटेंस में हमने बॉय बोला था, अब मैं बोल रही हूँ बॉयज. ज्यादा हो गया ना, तो ज्यादा के साथ भी एस और ईएस वर्ब में यूज नहीं होता. स्टूडेंट्स हमने नाउन के साथ देखिए, नाउन में हमने सिंगुलर और प्लूरल किया था. बॉय बॉयज, प्लूरल हमारा क्या था? बॉयज. ठीक है. पर हम अब इसमें वर्ब में क्या होता है, जब सिंगुलर नाउन यूज होता है उसके साथ हम वर्ब में एस और ईएस सिंगुलर के साथ ऐड करते हैं और प्लूरल के साथ हम इसको ऐड नहीं करते. ओके. अब इसको हम इसी का पास्ट टेंस देखेंगे, इसी सेंटेंस से पास्ट टेंस देखेंगे.
पास्ट टेंस मैंने आपको आई थिंक फिफ्थ चैप्टर में आपका आ चुका है, ठीक है, सिक्स्थ में तो फिफ्थ में आपका लेसन आ चुका है। ये पास्ट टेंस देखिए, हमने वर्ब राइट की, ओनली राइट की पास्ट टेंस क्या था, रोट। राइट का पास्ट टेंस क्या है, रोट। पास्ट टेंस क्या होता है, जो जा चुका है, जो बीत चुका है, ठीक है, जो बीत चुका है। प्रेजेंट जो होता है, जो हमारा भी चल रहा है, ठीक है। मैं लेटर लिखता हूँ, और इसमें देखिए इसका मतलब क्या बना, ही और शी, बताया था ना, बॉयज के लिए ही, गर्ल्स के लिए शी यूज होता है। तो रोट, रोट इसमें जब पास्ट टेंस में हम वर्ब यूज करते हैं, इसमें वर्ब सिंगुलर और प्लूरल का कोई रोल नहीं होता, उसमें सिर्फ सेकंड वर्ब लिखनी होती है हमने, ठीक है। चाहे वहां पे आई हो, चाहे वी हो, चाहे दे हो या यू हो, कुछ भी हो, चाहे बॉयज हो, चाहे बॉय हो, ठीक है, सिर्फ सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, उसमें सिर्फ हम पास्ट टेंस में सेकंड वर्ब यूज करते हैं। एस और एस का इसमें कोई रोल नहीं होता, सिर्फ हमें सेकंड वर्ब लिखनी होती है। जैसे रोट, राइट की सेकंड वर्ब क्या होती है, रोट। रोट का मतलब है लिखा, ठीक है। राइट का मतलब लिखता है, रोट लिखा, वो लिख चुका है लेटर, ठीक है। अब उसने लेटर लिखा, ठीक है, उसने। अब इसमें आई वी दे यू, स्टूडेंट्स में सिर्फ मैंने इसको आपको इसी को डिफाइन किया है यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इसको एक भी बना सकते थे। इन सब में रोट ही, ठीक है, मैंने, हमने, उनने, सबने, ठीक है, तुमने लेटर लिखा, इसमें हम कल की बात कर रहे हैं, लिख लिया उन्होंने लेटर, ओके। अब है हमारा आज का टॉपिक है, जो हमारे लेसन सेवन में दिया गया, यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ इज एम आर एंड हैज, ठीक है, हैज हैव, और पास्ट टेंस है वाज वर एंड हैड, ठीक है। हम ये करेंगे, देखिए मैंने हेडिंग में लिख भी दिया ऑलरेडी, यूज ऑफ इज एम आर, ठीक है, और हैज हैव, और ऐसे ही यूज ऑफ वाज वर हैड। देखिए प्रेजेंट टेंस में यूज होता है इज एम आर हैज हैव, इज एम आर, ठीक है, इसका मतलब होता है, ठीक है, इज एम आर, जो हमारा चल रहा है टाइम उसके लिए यूज करते हैं। पास्ट टेंस था, वाज वर का मतलब था, थी, थे, ठीक है, ज्यादा के लिए यूज करते हैं वर, सिंगल के लिए वाज, ठीक है, जो चल रहा, जो जा चुका है, ठीक है, उसके लिए वाज वर यूज करते हैं और हैड यूज करते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इज एम आर हैज हैव का यूज पढ़ेंगे क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए आई, आई के साथ हमेशा एम यूज होता है, इज एम आर जब यूज करते हैं ना, ओनली इज एम आर जब यूज करते हैं हम प्रेजेंट टेंस में, तब एम यूज होता है। आई के साथ हमेशा एम यूज होता है, आई एम अ बॉय, आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बॉय हूँ, आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, ठीक। कोई भी जब आई आ जाता है उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस में एम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं, ओके। जब हम देखिए आई हैव अ पेंसिल, इसका देखिए वो कह रहे हैं मेरे पास, मेरे पास है, जब हम अपने पास कोई हमारे पास चीज होती है ना उसको बताते हैं मेरे पास है, ठीक है, उसके लिए हम हैज और हैव का यूज करते हैं, हैज और हैव का यूज करते हैं। अब जैसे आई हैव, अब देखिए आप कहोगे मैम वैसे तो एक है, मैं, मेरे पास है, पर आई के साथ हैव यूज होता है। आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है। आई हैव अ रेड रेड बैग, मेरे पास एक रेड बैग है, ठीक है, ऐसे बताने के लिए हैव। अब देखिए ही, शी, इट, दिस, दैट, ये सब सिंगुलर है, एक के लिए यूज होते हैं, एक पर्सन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ही, शी, इट, दिस, दैट एंड सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन मैंने अभी बताया था, बॉय, गर्ल, ठीक है, बेंच, कोई भी है सिंगुलर नाउन, ठीक है, कोई भी नेम हो पर वो सिंगल, एक का नेम, इससे जब हम बोलते हैं ना एक का पता चले, ओनली वन का पता चले, ठीक है, उसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। उसके साथ यूज होता है हमेशा इज और हैज, क्या यूज होता है, हिज और हैज। अब पहले इज यूज करते हैं, ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही इज अ, शी इज अ टीचर, वह एक टीचर है, ठीक है। ऐसे हम ये सेंटेंस यूज करते हैं, उसके साथ हम इज यूज करते हैं, ठीक है। इट इज अ रेड टॉय, यह एक रेड टॉय है, ठीक है। दिस इज अ फैन, दिस इज अ टीवी, दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, ठीक है, जो पास चीज होती है, जो हम एक का बताते हैं ना, दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, यह है एक ब्लैक बोर्ड है, ये मेरे पास है ना, तो इसलिए दिस यूज किया है। दैट, दैट जो चीज दूर होती है, दैट इज अ फैन, वो फैन है, दैट इज अ एसी, ठीक है, हम उसको हाथ में लगा सकते हैं, तो उसको जो चीजें हमसे दूर होती है उसके लिए हम दैट यूज करते हैं, और एक का बता रहे हैं, एक के बारे में बताते हैं, इसलिए इज यूज हुआ है, ठीक है। वैसे ही हैज,
शी हैज अ पैट डॉग, उसके पास एक डॉग है, ठीक है. ही हैज अ पैट डॉग. अब लड़का लड़की, ठीक है, जो आपने बताना है, लड़के के पास बताना है, लड़की के पास बताना है, ठीक है. शी हैज अ पेंसिल बॉक्स, उसके पास एक पेंसिल बॉक्स है, ठीक है. ऐसे हम इसके लिए यूज करते हैं हैज. अब है दे, वी, यू, दिस, दोस एंड प्लूरल नाउन आर, प्लूरल नाउन के साथ आर और हैव यूज होता है. ये सब हमारे प्लूरल हैं. दे, वे, ठीक है, ज्यादा जनों को बोलते हैं. वी, हम, यू, तुम, दिस, दोस, कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है. दिस और दैट, दिस दैट का प्लूरल है ये, दिस दैट का दोस, ओके. ये ज्यादा के लिए यूज होते हैं, ठीक है. अपने फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स ये किया भी है. दिस इज, जैसे पिक्चर मैन पिक्चर बनाते थे ना यहाँ पे, जैसे हम सपोज करो यहाँ पे स्टार की पिक्चर बना दी मैम ने, यहाँ पे स्टार की पिक्चर बनाई है, तो आप लिखते थे ना दिस, और दूर है ना, स्टार दूर होते हैं, दैट इज अ स्टार, वह एक स्टार है. अब जैसे मैम ज्यादा पिक्चर बना देती है, ठीक है, जैसे पिक्चर ज्यादा पिक्चर बना देती है ना, जैसे दो ज्यादा स्टार दिखा दिए मैंने, उसमें क्या हो गया, दोज आर, दोज आर स्टार्स, ठीक है, वे स्टार्स हैं, दूर हो गए, ज्यादा हो गए, तो दोज आर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स. ये आप कर चुकी हैं, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, ओके. तो हम उसके लिए हम यूज करते हैं आर, ठीक है, ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं आर. अब यही चीज अभी मैंने उसको हैज बताया था ना, मेरे पास एक डॉग है. अब उसी को यदि हम ज्यादा बताते हैं, ज्यादा नहीं मतलब ज्यादा जनों के पास है वही चीज, ठीक है. दे हैव अ पैट डॉग्स, उनके पास बहुत सारे पैट डॉग्स हैं, ठीक है. दे आर अ मैनी पैट डॉग्स. वी आर ऐसी, वी हैव अ मैनी पेंसिल्स, हमारे पास बहुत सारी पेंसिल्स है, ठीक है, उसके लिए हम हैव यूज करते हैं, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स. आर और हैव का आपको पता चल गया प्रेजेंट टेंस में. अभी एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं, प्रेजेंट टेंस में ईएस किसके साथ आता है, सिंगुलर, ही, शी और सिंगुलर नाउन हो, और जब आई, वी, दे, यू, बॉयज, जब प्लूरल नाउन हो उनके साथ हम एस और ईएस वर्ब में यूज नहीं करते. यूज ऑफ इज एम आर में मैंने बताया आपको, आई के साथ एम यूज होता है हमेशा और हैव यूज होता है, ठीक है. और ही, शी, इट, दिस, दैट एंड सिंगुलर नाउन के साथ इज और हैज यूज होता है. दैट, वी, यू, दिस, दोस एंड प्लूरल नाउन के साथ आर और हैव यूज होता है, ठीक है. आपको मैं बुक में से भी बताऊंगी, एक बार आप ये समझ लीजिए जी अच्छे से. पास्ट टेंस, अब हमने पास्ट टेंस का मैंने आपको साथ साथ ये डिटेल कर दिया था ना, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको, ठीक है. अब हम यूज ऑफ वाज, वर और एंड हैड. वाज वर क्या होता है, था या थी. देखो मेरे पास एक पेन था, ठीक है, हम कल गए थे, ठीक है, तो हम था और थी के बारे में बात कर रहे हैं. मैं कल गए थे, जो जा चुका है टाइम उसके बारे में यूज करते हैं, तब बताते हैं वाज वर. आई, ही, शी, इट, दिस, दैट, इन सब के साथ यूज होता है वाज, इन सब के साथ यूज होता है वाज. और अब हैड की है, तो हैड इसमें सिंगुलर और प्लूरल, जब हम ना पास्ट टेंस में बात करते हैं ना, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही हैड यूज होता है. आई, आई वाज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर थी, अब नहीं हूँ, थी, ठीक है. ही वाज अ टीचर, वह एक टीचर था, ठीक है, जेंट्स है ना, ही हम बॉयज के लिए यूज करते था. शी वाज अ टीचर, वह एक टीचर थी, ठीक है, लेडीज आगे तो थी होता है यूज उसके लिए, ठीक है. ऐसे ही हम इन सबके साथ वोज यूज करते हैं पास्ट टेंस में. वी हैव, यू, नहीं सॉरी, वी, दे, यू, दिस, दोज, इनके साथ हम यूज करते हैं वर और हैड. इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, वर और हैड, ठीक है. हैड मैंने बताया था सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हैड आएगा, जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो उसमें हैड आएगा, ठीक है. तो क्या है, अब वी, हम, दे, वे, यू, तुम, दिस, ये, दोस, वे, ठीक है, ज्यादा सारी चीजों के लिए. तो ये हम वर यूज करते हैं, वर का मतलब होता थे, जब ज्यादा की कहते हैं हम कल गए थे, मैं कल गया था, देखिए सेंटेंस सुनिए, मैं कल गया था, आप अकेले के लिए यूज करते हो, था यूज होता है तो वोज आ गया.
अब हम गए थे, हम ज्यादा सारे गए थे ना, या वे गए थे, तो ज्यादा गए थे के लिए वर, ज्यादा के लिए वर यूज हो गया, गए थे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया। अब मैं आपको बुक में से बता रही हूँ, ध्यान से देखना, देखिए आपका पेज नंबर 151 पर देखिए, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाट और आपका ब्रैकेट में दिया हुआ है, इज और आर दिया हुआ है, इज और आर द कारपेंटर्स। अब ध्यान से देखिए, कारपेंटर्स पीछे एस लगा हुआ है, ये नाउन है, ये नाउन है, डूइंग एट योर हाउस, ठीक है। अब ये ज्यादा है, अभी मैंने बताया था कोई भी नाउन जब प्लूरल नाउन हो, ज्यादा हो, तो इज एम आर में से क्या यूज करेंगे, नौ ऑप्शन में इज और आर दिया हुआ ना, ज्यादा के लिए क्या यूज करेंगे हम, आर, ज्यादा के लिए क्या यूज करेंगे आर, ठीक है। कारपेंटर्स इसमें नाउन है, ठीक है, घर पर क्या कर रहा था कारपेंटर घर पर, ठीक है, क्या कर रहा है, सॉरी था नहीं है, इज और आर इसमें से क्या